हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में जो है वो डिटरमिनेंट को टेंसर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो देखें, आपने ट्वेल्थ में डिटरमिनेंट पढ़ा होगा और डिटरमिनेंट के विषय में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि डिटरमिनेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मैंने 3, 2, 1, 5, 6, 4, 3, 1, 7, देखिए ये मेरे पास में 3 रोज़ आ गए और ये 3 कॉलम्स आ गए। तो ये डिटरमिनेंट जो है वो मेरे पास में क्या हो गई, 3/3 की डिटरमिनेंट हो गई। तो डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जैसा आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ और उस डिटरमिनेंट के विषय में मैं आपको पहले चलो इसकी जानकारी दे दूँ। मैं डिटरमिनेंट की 3/3 की डिटरमिनेंट ले करके मैं आपको, मैंने 3, 2, 5, 1, 0, 4, 6, 2, 7 ये लिख लिया मैंने। तो यहाँ स्टूडेंट्स जैसे देखा होगा आप लोगों ने माइनर्स, माइनर्स कैसे निकालते हैं, जैसे माइनर ऑफ 3 निकालना है तो माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 के लिए 3 जिस रो में पढ़ रहा है उसे छिपा लें और जिस कॉलम में पढ़ रहा है उसे छिपा लें। बचे हुए एलिमेंट को लिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं 0, 4, 2, 7। तो ये हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई 0, -8। किस प्रकार से इसकी मल्टीप्लिकेशन की, 0 आया, माइनस फॉर्मूले में है 2 की, 4 से मल्टीप्लिकेशन की 8 आया, तो ये -8 आया इस माइनर की वैल्यू। अब इस तरीके से माइनर निकाला, अब मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसी का ही, कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, -1 to the power नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है, और माइनर, माइनर हमारे पास में क्या था, 0, 2, 4, 7। तो -1 to the power 2 और इसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, -8 आया, तो ये -8 कोफैक्टर आया। तो कोफैक्टर को जैसे कैसे करके डिनोट करेंगे, तो अगर जैसे मैं इस डिटरमिनेंट के लिए इस तरीके से डिनोट कर दूं, A11, ये वन स्टूडेंट जो सुपर स्क्रिप्ट में यूज किया गया है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वन कॉलम को, तो 1, 2, क्योंकि देखो ये सेकेंड कॉलम आ गया तो सेकेंड कॉलम और रो बन ही रहा, A13, क्योंकि फर्स्ट रो ही रहा तो 1, 1, 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सेकेंड रो आ गया तो A2 और कॉलम फर्स्ट रहा, और सेकेंड रो तो A2 और ये 3, क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट्स ये एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा, क्योंकि कॉलम कौन सा आया, रो कौन सा आया, थर्ड रो है, तो थर्ड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड ही रो है और कॉलम कौन सा आया, सेकंड, यहाँ पर थर्ड ही रो है और थर्ड कॉलम आ गया। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे किसी भी एलिमेंट के, जैसे मैं कहूँ कोफैक्टर ऑफ A23 कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाएंगे, विल बी रिप्रेजेंटेड represented by A32
ये तरीका है टेंसर में रिप्रेजेंट करने का। तो हमने क्या कर दिया, जो रो था उसको नंबर दे दिया कॉलम का और कॉलम को नंबर दे दिया रो का। लेकिन ये जब ऐसे करके आप लिखा हुआ देखें तो इसका आप समझ जाएंगे कि ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में पड़ने वाले एलिमेंट का जो है वो क्या है, कोफैक्टर है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने ये तो आपके लिए फंडामेंटल बता दिया, अब आपको जो है वो ये बता रहा हूँ मैं कि किसी भी, जैसे इस डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। जैसे मैं सपोज कीजिएगा सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी मैंने बताया, ए टू वन के कोफैक्टर के लिए ए वन टू से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस इस रो में दूसरा एलिमेंट ए टू टू, इसके कोफैक्टर को ए टू टू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस ए टू थ्री, इसके कोफैक्टर के लिए ए थ्री टू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करा जा सकता है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने ट्वेल्थ में स्टडी किया होगा। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर जो है वो एक डिटर्मिनेंट n बाई n n ऑर्डर की बना करके दिखा रहा हूँ, और उसके लिए फिर क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करके दिखाऊँगा कि इसको किस तरीके से क्या करा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा टेंसर की फॉर्म में। इसे एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये बता दूं कि जैसे मैट्रिक्स में स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, तो उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट में भी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और स्क्यू डिटर्मिनेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्यू डिटर्मिनेंट और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं एक आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिख करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, 5, 3, अब मैंने यहाँ लिखा 9, अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट मेरे पास में A11 है, ये एलिमेंट क्या है A12 है, ये एलिमेंट क्या है A13 है, ये एलिमेंट क्या है A21, ये एलिमेंट क्या है A22, ये एलिमेंट क्या है A23, ये एलिमेंट क्या है A31, ये एलिमेंट क्या है A32, ये एलिमेंट क्या है A33, ये मैं अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखें ये एलिमेंट A12 किसके इक्वल है A21 के है इक्वल, देखिए। और यहाँ एलिमेंट क्या है, हियर आप लोग देख रहे हैं कि A12 इज इक्वल टू A21, और क्या देख रहे हैं, देखिए A13, ये A13 है, ये A13 किसके इक्वल है A31 के। और स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, देखिए 2 और ये 2, A23 किसके इक्वल है A32 के इक्वल है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 लिखने से रह गया तो लिख दिया मैंने अब। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम जो है वो किसी भी डिटर्मिनेंट को ये दिखा सकते हैं कि वो क्या है
स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ये यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम इस तरीके से शो कर दें तो क्या होगी, वो डिटर्मिनेंट क्या होगी, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो और ये एलिमेंट इसके इक्वल हो। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये वाली एलिमेंट यहाँ क्या आ रहा है, ये ए वन वन, तो ए देखिए यही तो इंटरचेंज हो गए थे सफिक्स, तो ए टू वन, तो यहाँ पर अगर इंटरचेंज कर दें तो वही रहेगा, इसके लिए ए टू टू है ये, इसके लिए इंटरचेंज कर दें तो वही रहेगा, यहाँ पर ए थ्री थ्री है ये, इसे इंटरचेंज कर दें तो ए थ्री थ्री ही रहेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कुछ भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट निकल करके आई वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। कैसी डिटर्मिनेंट है ये, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कंडीशंस फुलफिल होती हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए जो है वो स्क्यू डिटर्मिनेंट क्या होती है, स्क्यू डिटर्मिनेंट। तो स्क्यू डिटर्मिनेंट के केस में स्टूडेंट्स जो है वो साइन चेंज कर लिया जाएगा आपस, जैसे मैंने यहाँ माइनस यूज कर लिया तो यहाँ प्लस, और यहाँ मैंने अगर प्लस तो यहाँ पर माइनस। तो स्टूडेंट्स देखिए, देख रहे होंगे आप लोग कि ये एलिमेंट है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चेंज और आता है, ये डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो देखें ये एलिमेंट कौन सा है, ए वन टू, ए वन टू, और ये ए वन टू माइनस ए टू वन के इक्वल है। देखिए माइनस और ए टू वन क्या है, ए टू वन है ये, तो देखिए सॉरी माइनस ए टू वन क्या है मेरे पास में, देखिए माइनस ये साइन यूज करा, और ए टू वन, ए टू वन ये पूरा एलिमेंट क्या है, ए टू वन माइनस नाइन, तो ये नाइन। तो देखो ए वन टू के एलिमेंट के बराबर आ गया, ये ए वन टू के एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास में ये एलिमेंट है ए वन थ्री, और ये एलिमेंट माइनस ऑफ ए थ्री वन के इक्वल होना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास में माइनस और ए थ्री वन, ए थ्री वन क्या है, सेवन, ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस सेवन, ए वन थ्री के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है वो ये टू थ्री है, ए टू थ्री शुड बी इक्वल टू द माइनस ऑफ ए थ्री टू के। तो ये चीज़ अगर फुलफिल हो रही है तो हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट जो है वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगी, स्क्यू डिटर्मिनेंट कहलाएगी। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और स्क्यू डिटर्मिनेंट है, तो स्क्यू डिटर्मिनेंट कहलाएगी ये। तो ये अब मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दिया मैंने कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, फिर मैं अब आपको इन जनरल डिटर्मिनेंट लिख करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स इन जनरल मैंने डिटर्मिनेंट ले ली एन बाई एन ऑर्डर की, तो ए वन वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा है एलिमेंट, ए वन टू ये सेकंड कॉलम आ गया, रो फर्स्ट ही रही, डैट डैश ए, मैंने स्टूडेंट्स आई मैंने फर्स्ट रो ले लिया और जेथ कॉलम ले लिया, रो फर्स्ट ही रही और जेथ कॉलम ले लिया, और ए वन एन एथ क्या कर लिया मैंने, कॉलम ले ली। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जेथ कॉलम, एन एथ कॉलम। अब मेरे पास फर्स्ट रो, तो ये जो है वो सुपर स्क्रिप्ट किसके लिए रिप्रेजेंट करेगी, सुपर स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करती है रो के लिए, और सब स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगी आपके कॉलम के लिए। तो देखें नेक्स्ट एलिमेंट ए टू वन क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सेकंड रो है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए
टू टू, रो सेम ही रह रही है, कॉलम चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ए टू जे, ए टू एन। अब स्टूडेंट्स, कहीं पर मैंने जो है वो मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो, मैंने कह दिया आईथ रो आ गई, आईथ रो, कौन सी रो आ गई, आईथ रो, आईथ रो और कॉलम फर्स्ट है तो ए वन वन, और आईथ रो, आईथ रो और कॉलम कौन सा है सेकंड। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, रो आईथ और कॉलम कौन सा है, ये जेथ कॉलम है, और यहाँ पर आईथ रो और एनथ कॉलम आ गया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए आगे दिखा रहा हूँ, मैंने क्या कर लिया, एनथ रो ले लिया फर्स्ट कॉलम, फिर एनथ रो, एनथ रो ही है सेकंड कॉलम। यहाँ स्टूडेंट्स एनथ रो और जेथ कॉलम है, क्योंकि ये कॉलम कौन सा है, जेथ कॉलम है, और यहाँ पर एनथ रो और एनथ कॉलम आ गया, ये एनथ कॉलम आ गया। तो ये स्टूडेंट्स एन बाई एन ऑर्डर की क्या आ गई जो है वो डिटर्मिनेंट आ गई। इस डिटर्मिनेंट की, जैसा आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम कर ली, ए एज्यूम कर ली, मैंने से बोल दिया इसके लिए कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए है। तो जब ये स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ जो है वो इसे जो मैंने आपको इतना बड़ा करके दिखाया, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखें, तो ये जो आई ए आई जे है वो क्या है, कोई जनरल टर्म है इस डिटर्मिनेंट की। हियर ए आई जे इज अ जनरल एलिमेंट ऑफ द अबव डिटर्मिनेंट अबाउट डिटर्मिनेंट का क्या है, ये कोई जो है वो जनरल एलिमेंट है। ये एलिमेंट किस में, आई एथ रो में और जे एथ कॉलम में लाई कर रहा है। तो आई एथ रो है ये स्टूडेंट्स, और जे एथ कौन सी है कॉलम में, ये एलिमेंट्स क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। चाहे तो आप लोग ये लिख सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट को किस तरीके से लिखा जा सकता है, वेक्टर सॉरी टेंसर नोटेशन में। तो किस प्रकार से हम इसके लिए लिखेंगे, तो देखें अब हम यहाँ पर द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, देखें डिटर्मिनेंट को वर्टिकल लाइन से ए आई जे, ये ऐसे करके क्या करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखो कितनी बड़ी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा गया, सिर्फ बहुत शॉर्ट सिंबल से क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया। और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या लिया, ए ली है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स ये वेयर आई एंड जे कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3 अप टू एन तक लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट को क्या कर लिया गया, मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको डाउनलोड करके दिखाया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, मैं थोड़ा सा रब करके इसको छोटा सा कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया कि मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो मैं शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ। तो
A11, A12, A1J, A1N, A21, A22, A2J, A2N, A। अब मैंने क्या कर लिया, कॉलम जो है, ये रो जो है वो आयत ले लिया, AI1, AI2, AIJ, AIN, AN1, AN2, ANJ, AN, ये लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू ए है, ये मैंने एज्यूम की है अपनी तरफ से कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ए है। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ जो सफिक्स यूज हुआ है, तो सफिक्स आई डिनोट रोज, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स रोज। एंड सफिक्स जे, ये वाला सफिक्स किसके लिए डिनोट कर रहा है, डिनोट या रिप्रेजेंट डिनोट कॉलम, कॉलम को, तो रो को और कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात और दिखा देता हूँ, को फैक्टर ऑफ AIJ, क्योंकि AIJ तो एक एलिमेंट आया ए डिटर्मिनेंट का, तो इस AIJ के को फैक्टर को कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाएगा, को फैक्टर ऑफ AIJ विल बी इज डिनोटेड बाई AJI से। ये मैंने आपके लिए अभी पहले ही शुरुआत में ही इसके लिए, जब मैं एक छोटा 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट लेकर के एक्सप्लेन कर रहा था, तो ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है n/n ऑर्डर की, तो इस ये डिटर्मिनेंट कब जो है वो हमारे पास में सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो सकती है और कब, तो देखें, द डिटर्मिनेंट विल बी सिमेट्रिक इफ, हमारे पास में ये जो AIJ एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए AJI एलिमेंट के। तो मैंने दिखाया था A12 किसके इक्वल हो जाए A21 के, A13 किसके इक्वल हो जाए A31 के, तो यही तो मैंने आपके लिए दिखाया था कि ये एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर A देखिए आपको 1 जो नंबर ऑफ रोज था वो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम बन गया, और जो नंबर ऑफ कॉलम था वो नंबर ऑफ रोज बन गया। तो मेरे पास में देखें ये एलिमेंट अगर इस एलिमेंट के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगी, और द डिटर्मिनेंट विल बी क्या होगी, स्क्यूज डिटर्मिनेंट होगी, कब
क्यू डिटर्मिनेंट एंड इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए। ये भी मैंने अभी आपके लिए एग्जाम्पल देकर के बताया था। तो उस केस में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर माइनस के साइंस क्या कर दिए गए थे, यूज कर दिए गए थे, जब 3/3 की डिटर्मिनेंट को लेकर मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाया। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखें आगे चलते हैं, आगे अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए अभी देखें कि बड़ा टेंसर नोटेशन में किस प्रकार से इस बहुत इजी वे से क्या कर दिया जाएगा, उसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो देखें यहाँ मैं स्टूडेंट से क्या कर रहा हूँ, देखें ये मेरे पास में आपको दिखाई दे रही है आईथ रो, ये फर्स्ट रो, इससे फर्स्ट पता चला फर्स्ट रो है, ये इस टू से पता चल रहा है सेकंड रो है, और इस आई से पता चल रहा है ये आईथ रो है। तो मैं आईथ रो के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट मीन एंड विद रेस्पेक्ट टू आईथ रो। तो आईथ रो के रेस्पेक्ट में, तो देखें स्टूडेंट्स एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर ए आई वन का कोफैक्टर ए वन आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस ए आई टू एलिमेंट्स इसका कोफैक्टर ए टू आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस ए आई जे एलिमेंट लिया इसका कोफैक्टर ए जे आई से रिप्रेजेंट किया जाए, प्लस डैश 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 ये एलिमेंट ले लूँ प्लस ए आई एन और इसका कोफैक्टर ए एन आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया है, ए एज्यूम की है, क्या एज्यूम किया है ए। तो ये सारी वैल्यूज का एक बराबर होगी ए के। तो स्टूडेंट्स मैंने जब सफिक्स की वीडियो बनाई है तो उस सफिक्स की वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो डमी सफिक्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है वन से लेकर के एन तक। तो यहाँ पर डमी सफिक्स आप देख रहे होंगे वन यहाँ पर वैल्यू है, एक डमी सफिक्स वो सफिक्स होते हैं जिनमें एक बार सुपर स्क्रिप्ट में यूज किया गया हो और एक बार सब स्क्रिप्ट में यूज किया गया हो। तो देखें यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में वन वन टू टू जे जे एन एन ये वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखिए आई 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 और ये, तो ये हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, रियल सफिक्स हो गया। तो तभी समझ में आएगा बहुत अच्छा, कोई किसी वीडियो को बीच में लेकर के ना बैठ जाइएगा, बीच में लेकर के बैठेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझने के लिए क्या करिएगा, सीरियल वाइज आप वीडियो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर सेकंड देखिएगा, फिर थर्ड देखिएगा, तो इस प्रकार से आप जारी रखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपको क्या आएगा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो इन जनरल हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स ए आई ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखें यहाँ पर डमी सफिक्स जो है वो कुछ भी यूज किया जा सकता है, डमी सफिक्स, तो मैंने क्या कर लिया, जे यूज कर लिया। तो ए डमी सफिक्स, यही तो डमी सफिक्स है, तो डमी सफिक्स यहाँ पर जे यूज किया, तो यहाँ भी जे यूज कर लूँगा और ये एज इट इज रहा इक्वल टू ए। तो मैंने क्या कर दिया, देखिए इतनी बड़ी जो है
इस एक्सपेंशन को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आपको बहुत सिंपल टेंसर नोटेशन से क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये समझ में आया आपके? तो देखें, अगर समझ में आया तो अब मैं एक डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर किसी भी, जैसे ये ए वन वन है, ये ए वन टू है, ये ए वन थ्री है, ये ए टू वन है, ये ए टू टू है, ये ए टू थ्री है, ये ए थ्री वन है, ए थ्री टू है, ए थ्री थ्री है, तो अगर डिटर्मिनेंट को किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया फर्स्ट सेकंड रो आईएथ रो के रेस्पेक्ट में, आप किसी भी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर एक्सपेंड करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपेंड तो कर रहा हूँ फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं कोफैक्टर फर्स्ट रो का नहीं ले रहा, कोफैक्टर मैं सेकंड रो का ले रहा या थर्ड रो का ले रहा। सेकंड रो का ले लिया तो इसका कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए वन टू प्लस एलिमेंट लिया मैंने ये इनटू कोफैक्टर क्या ले लिया, इसका ले लिया, इसका कोफैक्टर क्या होगा ए टू टू प्लस एलिमेंट लिया मैंने ए वन थ्री और कोफैक्टर मैंने ले लिया इसका ए थ्री टू। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसी डिटर्मिनेंट को मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब जो है इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ जो है वो कोई जो है वो मैंने, जैसे मैं जब ये एलिमेंट लिखा गया कोफैक्टर लिखा गया तो ये कोफैक्टर किस रो के किस एलिमेंट का है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इसे देखिएगा, ये क्या है आई, ये जो आपको सबस्क्रिप्ट है वो किसे डिनोट करेगी, कोफैक्टर के केस में जो है वो हमारे पास में रो को डिनोट करेगी, क्योंकि कोफैक्टर को डिनोट करने का टेंसर में जो है वो अदर वे यूज किया गया। तो हमारे पास में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट, एक्सपेंडिंग यहाँ पर गलत लिख दिया, डिटर्मिनेंट विद रेस्पेक्ट टू kth रो, क्या कर लिया मैंने kth रो ले लिया। तो kth रो स्टूडेंट्स एक्सपेंड तो मैं ith रो के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ और प्रोडक्ट ले रहा हूँ kth रो की, क्या कर रहा हूँ kth रो की। तो kth रो भी सपोज करो कहीं पर लाई कर रही है, तो मैंने कहा ए आई वन, और मैंने जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये सपोज करिएगा ये मैं कह दूँ कि kth रो है, तो ए के वन, ए के टू, ए के जे, ए के एन, तो kth रो के क्या कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट को यूज कर रहा हूँ और एलिमेंट ले रहा हूँ मैं ith रो का। तो एलिमेंट मैंने लिया ith रो का और kth, तो इसका देखें स्टूडेंट्स ए के वन का जो डिटर्मिनेंट हो वो सॉरी कोफैक्टर जो होगा वो ए वन के होगा, प्लस इस एलिमेंट को लूँ ए आई टू, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर लूँ तो ए टू
के प्लस डैश 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 यहाँ पर आता हूँ ए आई जे और इसका कोफैक्टर ए जे के प्लस ये एलिमेंट ले लूँ ए आई एन और इसका कोफैक्टर लूँ तो ए के एन और ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी जीरो आएगी क्योंकि मैंने एलिमेंट्स किसी रो के लिए और कोफैक्टर्स मैंने अदर रो के यूज किए हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें आप ये वैल्यूज क्या हो रही है चेंज हो रही है तो वन वन टू टू जे जे एन और यहाँ पर कुछ ये स्टूडेंट्स जो है वो क्या इसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करूँगा तो ए एन के से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये रिप्रेजेंट किया गया तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूँ कि डमी सफिक्स क्या है वन डमी सफिक्स की वैल्यू चेंज होती है तो डमी सफिक्स वन है यहाँ पर तो टू है तो ये डमी सफिक्स की तरीके से यूज किए गए हैं तो डमी सफिक्स को क्या करा जा सकता है रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी तो टेंसर नोटेशन में कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे ए आई और मैं इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए आई तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर डमी सफिक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो इस डमी सफिक्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ जे ले ले रहा हूँ ए आई जे ए जे के इक्वल टू जीरो आया तो इसे स्टूडेंट्स मैं अगर सेकंड एज्यूम कर लूँ और इसे मैं अगर फर्स्ट ले लूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड रोमन में ही लिख देता हूँ ये क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स देखें ए आई जे इक्वल टू ए जे के इक्वल टू तो स्टूडेंट्स देखें इसकी वैल्यू आई ए इफ अभी मैं इस चीज़ को समझाता हूँ इफ आई इक्वल टू के अगर आई की वैल्यू के इक्वल है देखो आई की वैल्यू के इक्वल है तो आई और के जब इक्वल हैं तो के को रिप्लेस कर दिया गया आई से तो क्या हो जाएगा ये ए आई जे ए जे आई तो देखें ए आई जे ए जे आई की वैल्यू क्या आई ए आई वही मैंने लिख दिया तो लिखा जा सकता है तो देखिए अब इफ I इज नॉट इक्वल टू K अगर I की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या है देखिए ये वैल्यू जीरो आई तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर I जो मैंने ये K लिख दिया है इसके लिए ये K की वैल्यू अगर I हो जाती है K की वैल्यू अगर I हो जाती है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा जो है वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए हो जाएगी और के की वैल्यू आई के इक्वल नहीं है देखो तो के की वैल्यू आई के इक्वल नहीं है तो क्या हो रही है ये वैल्यू जीरो हो जा रही है तो देखें स्टूडेंट्स के की वैल्यू आई के इक्वल नहीं है ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है के रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ आईएथ सॉरी कोफैक्टर ऑफ केएथ रो के तो केएथ रो के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एलिमेंट किसका है
आयथ रोका है इसका। तो अगर हमारे पास में इसी एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास में कोफैक्टर जैसे ए आई वन, तो इसका कोफैक्टर ए वन आई होता। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो वन आई जो लिखा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि ये कोफैक्टर है आई एथ रो में लाई करने वाले एलिमेंट का। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके लिए क्रोनिकर डेल्टा का भी यूज करके लिखा जा सकता है। देखें ए आई जे ए जे के इक्वल टू क्रोनिकर डेल्टा आई जे तो ए। तो देखें स्टूडेंट्स अगर जो है आई और जे मेरे पास में क्या हो जा रहे हैं यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये के ले लिया। तो देखें आई और के इक्वल हो जा रहे हैं तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है वन हो जाती है। तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो वन इंटू ए और आई और के इक्वल नहीं है तो इस क्रोनिकल डेटा की वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो की ए से मल्टीप्लिकेशन होगी तो जीरो आएगी। तो ये मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से टेंसर की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो टेंसर इज नथिंग इट इज़ ओनली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू डिनोट फॉर दैट थिंग्स विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये क्या कर दिया गया मैंने आपको किस प्रकार से n बाई n की डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है टेंसर नोटेशन में, उसकी वैल्यूज़ को कैसे करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैंने सारा आपके लिए दिखाया। तो अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो ये लाइक कर रहे हो आप लोग अच्छी लगे तो आप क्या करिएगा मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ के लिए शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और यूँ ही देखते रहिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स द्वारा क्या करिएगा मेरे को बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।